वीआईपी सेवा के बारे में। हाँ, 3 महीने से यहाँ वीआईपी सेवा हो रहा है, करीब 1/4 40 मंत्री में 1/4 ने संदेश भी पाया है। हाँ। और उसमें कोई कानून वाले है ना, वो पूछते हैं ये संस्था क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और ब्रह्म कुमारी भी ऐसी बात करती है। हाँ। तो इसके बारे में हम कौन सी उनको जवाब देना पड़ता है? इसके बारे में कहो कि हमारा गुरु है ब्रह्मा। कौन गुरु है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो हमारा गुरु है, उन्होंने बोला है, हमारे पास प्रूफ है उनके बोलने का, कि हमारी शिष्टाचारी ईश्वरीय गवर्नमेंट है या भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है? है? हमारी शिष्टाचारी गवर्नमेंट है और आज की है भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो चाहे जनता पार्टी की हो। सब मानते हैं कि नहीं? तो शिष्टाचारी गवर्नमेंट को हम भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड क्यों कराएं? यथा राजा तथा प्रजा बन जाएगी। इसलिए हम अपने गुरु की बात मानेंगे, हम किसी मनुष्य मात्र की बात नहीं मानेंगे। आपको चाहिए तो सब मिलकर के हमारी संस्था को नेपाल से उड़ा दो, हम उड़ जाएंगे। आप समझते हो हमारे उड़ जाने से आपका कल्याण हो जाएगा, तो उड़ा दो, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। श्रीमत के बरखिलाफ चलने से स्वर्ग स्थापन होगा या श्रीमत के अनुकूल चलने से स्वर्ग स्थापन होगा? है? तो तथा कथित ब्राह्मणों ने क्या किया? श्रीमत के बरखिलाफ चल पड़े और उन्होंने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सरकार से इनकम टैक्स की छूट हो जाती है, चाहे जितना पैसा इकट्ठा करो। और भगवान के बच्चों को पैसे की जरूरत है? है? भगवान के बच्चे तो श्रीनाथ दरबार के बच्चे नहीं हैं। जगन्नाथ परिवार के बच्चे हैं, सारे जगत की पालना में विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम बनाने में विश्वास करते हैं, या थोड़ी आत्माएं श्रेष्ठ बन जाएं, सुख शांति से रहें, उसमें विश्वास करते हैं? है? सारी दुनिया सुख शांति में आ जाए, सब भगवान को पहचाने, सबकी मुक्ति जीवन मुक्ति हो जाए, इस वसुधैव कुटुम्बकम में हम विश्वास करते हैं, ये नहीं बोल सकते? बोला है। हाँ जी।